नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं श्वेता सिंह। भारत और नेपाल के बीच तनाव जारी है। इसी के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेपाल की ओली सरकार ने भारत के सभी प्राइवेट न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है। हालांकि नेपाल ने सिर्फ दूरदर्शन को ही बैन नहीं किया, भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध का फैसला विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स एमएसओ द्वारा किया गया है। वहीं इसी सिलसिले में नेपाल सरकार के प्रवक्ता युवराज खतिवाड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय चैनलों पर चीनी राजदूत को लेकर जो खबरें दिखाई गई थी उसको लेकर आपत्ति जताई है। इसी के साथ ही नेपाल सरकार द्वारा भारतीय न्यूज़ चैनलों पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल में भारत के चैनलों के खिलाफ नफरत साफ देखी जा सकती है। नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मौजूदा सरकार ने सभी प्राइवेट न्यूज चैनलों के प्रसारण ही बंद कर दिए हैं। आरोप यह है कि भारत के कुछ समाचार चैनलों पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाल में चीन की राजदूत हुई यांकी सहित कई नेपाली नेताओं के चरित्र को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वहीं नेपाल के सूचना और प्रसारण मंत्री युवराज खतिवाड़ा ने गुरुवार शाम को इस फैसले के बारे में बताते हुए ये कहा है कि नेपाल के इस मामले पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है और भारतीय मीडिया द्वारा नेपाल की संप्रभुता और गरिमा पर हमला करने का आरोप भी लगाया गया है। अब देखना ये होगा कि भारत और नेपाल के बीच जारी ये तनाव दोनों देशों के रिश्ते को कहाँ तक लेकर जाता है। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।